दोस्तों, अगर आपने नेटफ्लिक्स की सर्वाइवल ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम देखी है तो आप भी सीरीज में कॉमेडी के साथ दिखाई वॉयलेंस को देखकर हैरान रह गए होंगे। और सच में एक ऐसे खेल की कल्पना करना जिसमें प्लेयर को गेम से एलिमिनेट करने की बजाय सीधा मार दिया जाता हो, काफी डरावना लगता है। लेकिन क्या सच में कहीं इस तरह का खूंखार खेल खेला जाता है? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, एंशिएंट रोम में ग्लैडिटोरियल टूर्नामेंट होस्ट किए जाते थे, जिनमें ग्लैडिएटर्स यानी कि फाइटर्स आपस में लड़ते थे। ये ग्लैडिएटर्स ज्यादातर अमीरों के गुलाम थे, जिन्हें लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता था। यहाँ उन्हें हथियार या बिना हथियार के लड़ना सिखाया जाता था। इस खेल की सबसे डरावनी बात ये थी कि हार मानने वाले ग्लैडिएटर्स को मार दिया जाता था। दोस्तों, अगर आपने गन्स अकिम्बो मूवी देखी होगी तो उसमें भी एक आम इंसान को एक खतरनाक गेम का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया जाता है, जहाँ उसे ना चाहते हुए भी लोगों को मारना पड़ता है। यहाँ मैं इस मूवी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्क्विड गेम और गन्स अकिम्बो दोनों की ही स्टोरी में इन गेम्स को लोगों के मनोरंजन के लिए इलीगल तरीके से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था, और यहीं पर रोल आता है डार्क वेब का। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो आम लोगों के लिए वर्जित है। दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी इलीगल काम हैं, सभी को यहीं से अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर आप किसी व्यक्ति की निजी जानकारी से लेकर इंसानी अंगों की बोली लगते हुए देख सकते हैं। यह नहीं दोस्तों, ड्रग माफिया से लेकर ISIS जैसे आतंकी समूहों को डार्क वेब का यूज करते हुए देखा गया है। और दोस्तों, अगर बात करें लाइव स्ट्रीम्स की तो यहाँ पर रेड रूम नाम से वीडियो स्ट्रीम चलती है। यहाँ पर एक बार किसी लड़की ने व्यूअर्स के कहने पर लाइव स्ट्रीम में ही खुद को मार डाला था। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ने तो डार्क वेब में सर्फिंग के दौरान महिलाओं को किस तरह से काटकर पकाएं, ऐसे आर्टिकल भी पड़े थे जो कि दिल दहला देने वाले थे। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो कि हमें डार्क वेब के बारे में पता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद आप कई रातों तक सो नहीं पाएंगे, और क्या पता शायद कुछ ऐसा भी हो जो कि स्क्विड गेम से भी ज्यादा ब्रूटल हो। इसीलिए सभी को डार्क वेब से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।